नाजरीन खबर नामस में तुंद दुबार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन हूँ तफसील। श्रीनगर किस बागात इलाकस में आज मुकामी नौजवानों तरफ तमि सात एहजाज मुजाहर करना आमुत अत म्यूनसिपल कमेटी श्रीनगर तरफ इनदामी कार्रवाई शुरू करना आई। मुकामी नौजवानों तरफ वनना आमुत इलाकस में कायम अकिस रेस्टोरेंटस में ये अल पल डोड दर्जन खोते ज्यादा नौजवान मेहनत करित आनचोर जेनन ताहम आज म्यूनसिपल कमेटी तरफ ये इमारत गैर कानूनी वनित इनदामी कार्रवाई शुरू करना आमुत यमकिन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल नौजवानों तरफ चे एल जी मनोज सिन्हा मांग करना आमुत अत मामलस कुन गसे जोन दिन युन युत जन यम नौजवान दुबार सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। एसएमसी के अंदर उतना पावर है वो जाके राजभाग में डिमोलिश करे। जो फ्लड चैनल पर बिल्डिंग बनी हुई है इस रेस्टोरेंट को डिमोलिश क्यों करेंगे? यहाँ से नए कश्मीर की बात, यहाँ से गवर्नर साहब नए कश्मीर की बात करते, दिल्ली वाले नए कश्मीर की बात करते, जब यहाँ यूथ अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड रहेगा तो नया कश्मीर कैसे बनेगा? कैसे वो नए कश्मीर की बात करते हैं, कैसे वो नए कश्मीर के दावे करते हैं? हम गवर्नमेंट को पूछना चाहते हैं, आपने आज ये टीम भेजी यहाँ पे 16 लड़के जो अपना रोजगार कमाते हैं, ये पेशेंट है जो दिल्ली में परसों से एक साल से ये वहाँ पे इलाज करा रहा है, ये कहाँ से वो खर्चा लाएगा, कहाँ से लाएगा वो खर्चा? ये सोचना चाहिए गवर्नर साहब को। अगर इसमें कोई इलीगल है हम लीगल करेंगे, हमें टाइम दे दो। मसला क्या है? अगर खुना न खासा इलीगल यहाँ पे चल रहा है तो हमें लीगल बताओ कैसे करें, हम करेंगे, कहाँ जाएंगे इस वक्त हमें बताओ। श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आज सबकदोश सपत जड़ियो तो हेडमास्टरों तरफ एहतजाज करना आमुत या दौरान एहजाज में शामिल लूक इंसाफ फराहम कर मांग करान एहजाज में शामिल लूको तरफ वन आमुत यदि तमो सर्विस दौरान महकमे तलीम मज पी फरज चुकसान अंजाम दि ताहम चुन सबकदोश सपदन पत आज ताम तिंद मसल द्रावस हवाल कह कदम तुलना आमुत यमकिन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद एहजाज में शामिल सबकदोश मुलाजमो तरफ च इंतजामिया मसल द्रावन मांग करना आमुत। हम गवर्नमेंट से यही इस्तेदा करते हैं कि किसी भी सूरत में हम लोगों का कंफर्मेशन किया जाए। हमारा ये ग्रेड है वो प्रिंसिपल ग्रेड, वो 2021 तक हो गए हैं, जबकि मैं 2017 का प्रिंसिपल हूँ, लेकिन अभी तक नहीं हुआ, कंफर्म नहीं हुआ हूँ, जबकि हम लोगों ने अपने वो डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स सब भर दिए हैं। हम लोगों ने विजिलेंस क्लियरेंस भी आई है। हम डिपार्टमेंट से गवर्नमेंट से यही इस्तेदा करते हैं कि हमारी डीपीसी फौरी तौर पर की जाए ताकि हम भी इस बेनिफिट से हमको भी इसका बेनिफिट मिल जाए। और ग्रेडों का जो हमारे और ग्रेड हैं उन लोगों का सबका हो गया है, सिर्फ हमारे जेडीओज का जो कैडर है इसने इनको अभी तक कन्फर्म नहीं किया। लास्ट 15 साल से भी ऐसे पड़ा हुआ है। मैं अपनी बात कहूँ कि मतलब मैं 2017 का प्रिंसिपल हूँ लेकिन जेडीओ अभी रिटायर नहीं हुआ हूँ। 2021 के हमारे जेडीओज कन्फर्म हो गए लेकिन हमारी बदकिस्मती हम अभी नहीं हो। जिले तरकियाती कमिश्नर कुलगाम सिंधे सदारत में आज डी के मर्ग कुलगाम में तकरीब हूँ साज करना आमुत यथ मज अवी नुमाइंदो तो मुकामी लूको शिरकत कर अत मौक पे ये अलग चमीर तरकी हवाल कथन दल दिन आव तवी नुमाइंदो तो मुकामी लूको तरफ कया मसल ततलान आमित ये जन जिले तरकियाती कमिश्नरन अत मौक पे वोन जो मसल मौकसी पे अंजरन आमित ये जन दोम कह मसल इन वालस वक्त मन अंजरनस हवाल संजीद कदम तुलने य क्योंकि आज का हमारा विजिट कोइंसाइड कर रहा था, ये हमारा एस्पिरेशन ब्लॉक जो है डी के मर का इसका प्लान बन रहा था। तो आज हम लोग बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा सरपंच के साथ, उनके मुतालबों को सुना हमने, जो कुछ यहाँ पर इश्यूज हैं उनका फौरी तौर पर अजाला भी किया गया जिनको हम यहीं कर सकते थे। बाकी चीज़ें हम लोग देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट प्लान बन रहा है उसमें उनको इम्प्रूव किया जाएगा। और बस यही है कि जो अभी प्लानिंग प्रोसेस चल रही है वो अच्छा अच्छी अच्छा पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है पांच का सरपंच का लोगों का। और इस एरिया को मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा डी के मर के लिए, इसके लिए हमने टूरिज्म के लिए जो टूरिस्ट टूरिज्म के लिए डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो शुरू कर रहे हैं। हम लोग अभी
जो पांजन पथवे और होम पथवे में हम टूरिज्म शुरू करे, हम लोग 15 फरवरी को स्कीइंग फेस्टिवल भी यहाँ पर इवेंट भी करा रहे हैं। और मुझे लगता है इस एरिया को टूरिस्ट मैप पे लाने के लिए हमारी पूरी कोशिश है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या लोगों और यूथ का इन्वॉल्वमेंट हो। तो डीकेमर्ग और इसके जो एरियाज हैं सारे, मुझे लगता है टूरिस्ट मैप लाने, इसमें टूरिस्ट मैप पे लाने की जरूरत है और हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन पूरी लगी हुई है इस। नाजरीन कशर खबर नाम जारी है, तन्य मोबिया का तजारती वक्फ है।